सो मैट्रिक इंग्लिश पेज नंबर 36, ब्यूटिफुल हैंड्स बाय एलन एम एच केट्स. सो इट इज़ अ पोम हेयर इन विच द पोएटस अमेरिकन पोएटस एलन एम एच गेट्स इज अप्रिशिएटिंग एंड एडमायरिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर. द ब्यूटिफुल हैंड्स के खूबसूरत हाथ, ये नज़म लिखी गई है मदर पर, माँ पर. और एलन एम एच गेट्स अपने माँ की हाथों की तारीफ इसके अंदर कर रही है, इस नज़म के अंदर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. सो देर आर फोर स्टैंजास इन दिस पोम एंड अ वेरी ब्यूटिफुल पोम रिटन बाय द ग्रेट अमेरिकन पोएटिस एलन एम एच गेट्स. सो स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टैंजा, सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैंड्स, दे आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल, एंड यू आई नो वुड स्कार्सली थिंक दैट दे वर फेयर एट ऑल. ऐसे खूबसूरत खूबसूरत हाथ, ना तो वो सब गोरे हैं और ना ही वो छोटे हैं, और मैं, तुम जानते हो और तुम, मैं जानती हूँ, वुड स्कार्सली थिंक, मुश्किल से ये सोचोगे कि किसी तरह से वो खूबसूरत हाथ होंगे. मतलब खूबसूरत हाथ, यहाँ पर हाथों की खूबसूरती कही जा रही है कि खूबसूरती का ताल्लुक देखने वालों की आंखों से होता है. जैसे विलियम शेक्सपियर कहा करते थे, ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है. तो किसी भी इंसान के लिए उसके माँ के हाथ खूबसूरत रहते हैं, चाहे वो हाथ गॉर्जियस नहीं है, हसीन ना हो, लेकिन वो खूबसूरत ज़रूर होंगे, क्योंकि खूबसूरती का ताल्लुक जो है वो दिल से होता है, दिमाग से होता है, ना कि फिज़िकल अपीयरेंस से होता है. तो कहती हैं कि मेरी माँ के हाथ बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वो हाथ ना तो छोटे हैं ना ही वो हाथ गोरे हैं, और मुझे पता है कि कोई भी इंसान उनको खूबसूरत नहीं समझेगा, लेकिन चूंकि वो मेरी माँ के हाथ हैं, इसलिए मेरी माँ के लिए वो हाथ खूबसूरत है. आई हैव लुक्ड ऑन हैंड्स हुज फॉर्म एंड ह्यू अ स्कल्प्टर्स ड्रीम माइट बी. मैंने देखा है उन हाथों को जिसकी शक्ल और जिसका रंग, जिसकी सूरत और जिसका रंग आ स्कल्प्टर्स ड्रीम माइट बी. स्कल्प्टर किसे कहते हैं? मुजस्मा साज. ऐसा हो जैसे किसी मुजस्मा साज का ख्वाब, कि मुजस्मा साज जो बड़ी मेहनत से कोई मुजस्मा बनाता है, स्टेचू बनाता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे माँ के हाथ हैं, वैसी उनकी शक्ल, वैसी उनकी रंगत है. येट आर दीज एजेड रिंकल हैंड्स मोस्ट ब्यूटिफुल टू मी. येट इसके बावजूद ये बूढ़े रिंकल्ड झुरियाँ लगे हाथ मोस्ट ब्यूटिफुल टू मी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत हाथ है ये. अगर तुमने झुरियाँ लगे हैं, बूढ़े हाथ हैं, लेकिन चूँकि मेरी माँ के हाथ हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत खूबसूरत है. सेकेंड स्टैंजा, सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैंड्स दो हार्ट ओवर वेरी एंड सैज दीज पेशेंट हैंड्स कैप टॉलिंग ऑन दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड. ऐसे खूबसूरत खूबसूरत हाथ, अगरचे दिल उदास था और थका हुआ था मेरी माँ का, लेकिन उनके साबिर हाथ मुशक्कत करते गए ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें. आई ऑलमोस्ट वीप व्हेन लुकिंग बैक टू चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे. आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट व्हेन माइन वर एट देयर प्ले. मुझे बिल्कुल रोना आ जाता है जब मैं मुड़कर देखती हूँ. आई ऑलमोस्ट वीप, मैं बिल्कुल रो देती हूँ जब मैं मुड़कर देखती हूँ पुराने वक्तों में. चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे, बचपन के एक दूर दराज दिन को जब मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ किस तरह से इन हाथों ने कभी आराम नहीं किया, जबकि मेरे हाथ उस वक्त खेल में मशगूल थे. कि जब मैं छोटे में खेल कूद किया करती थी, तो मेरी माँ जो है वो मेरे लिए काम किया करती थी. सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैंड्स दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ एंड टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क ऑन हैंड एंड हर्ट एंड ब्रो. इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ, अगर और अब वो हाथ फीबल कमज़ोर हो जा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, और वक्त ने और दर्द ने अपने निशान छोड़ दिया है हाथों पर और दिल पर और माथे पर. शिकन आ चुकी है माथे पर, जो है वो झुरियाँ लग चुकी हैं, बुढ़ापा मतलब आ चुका है मेरी माँ पर. अलास अलास द नियरिंग टाइम एंड द सैड सैड डे टू मी व्हेन नीड द डेज इज आउट ऑफ साइट दीज हैंड्स मस्ट फोल्डेड बी. अफसोस अफसोस नियरिंग टाइम, करीब आता हुआ वक्त, मतलब मौत का वक्त यहाँ पर कहा जा रहा है, कि मेरी आखिरकार एक वक्त आया कि जब मेरे माँ की वफात हो गई. एंड द सैड सैड डे टू मी, ठीक है, कि एक वक्त आएगा कि जब मेरे माँ की वफात हो जाएगी, यहाँ पर ये कह रही है. एंड द सैड सैड डे टू मी, और एक उदास उदास दिन होगा वो मेरे लिए. व्हेन नीथ द डेजी इज आउट ऑफ साइट, जब डेजी फूलों के नीचे नज़रों से उछल, दीज हैंड्स मस्ट फोल्डेड बी, इन हाथों को मोड़ दिया जाना है, ये हाथ मोड़ दिए जाएंगे. कि जब क्रिश्चियंस के अंदर जब डेथ होती है ना, तो उनके हाथों को जो है वो मोड़ कर, इस तरह से जो है वो उनको
जो है वो कबर में लिटा दिया जाता है, और डेजी फूलों को कबर के ऊपर सजा देते हैं, जैसे गुलाब के फूलों को हमारे ऊपर सजा देते हैं। तो कहती हैं एक वक्त आएगा कि जब मेरी माँ की वफात हो जाएगी या वो दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगी, बट ओह बियॉन्ड द शेडो लैंड्स वेयर ऑल इज ब्राइट एंड फेयर आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बेयर। लेकिन ओह इस सायादार ज़मीन के उस पार जन्नत की बात करते हैं, जहाँ पर सब कुछ ब्राइट है, खूबसूरत है, और जहाँ पर सब कुछ रोशन है। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स, मैं जानती हूँ पूरी तरह से इन प्यारे बूढ़े हाथों को, विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बेयर, जो उठाएंगी पाम्स ऑफ विक्ट्री मतलब जीत का झंडा जो उठाएंगी। वेन क्रिस्टल स्ट्रीम्स थ्रू एंडलेस एयर्स, जहाँ बहते हैं शफाफ चश्मे और हमेशा के लिए वो बहते रहते हैं, जन्नत की बात की जा रही है। फ्लो ओवर गोल्डन सैंड्स, ये चश्मे बहते हैं गोल्डन सैंड्स के ऊपर, मतलब सुनहरे ज़मीन के ऊपर। एंड वी आर द ओल्ड आर यंग अगेन, और वो जन्नत जहाँ पर बूढ़े दोबारा से जवान हो जाएंगे। आई विल क्लैस्प माई मदर हैंड्स, जब मैं वहाँ अपनी माँ को देखूँगी तो अपने माँ के हाथ को पकड़ लूँगी, उसके हाथ को जकड़ लूँगी, मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ लूँगी जन्नत में। कि दुनिया से तो मेरी माँ चली जाएंगी, लेकिन जब वो जन्नत में जाएंगी तो जन्नत में भी मैं अपनी माँ को जो है वो अपने हाथों को उसको पकड़ लूँगी, और वहाँ पर भी मैं उनके साथ ही रहूँगी। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड्स, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोम बाय एलन एम एच गेट्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, जिसमें माँ की अज़मत बताई जा रही है और माँ के हाथों की तारीफ़ की जा रही है कि माँ कितनी ज़्यादा एक काम करती है, ज़िंदगी भर जो है वो बच्चों के लिए दुख दर्द झेलती है। तो इसके लिए जो है वो एक नज़म माँ को डेडिकेट किया अपनी एलन एम एच गेट्स से। आगे बात समझ क्लियर।